भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक चुनाव को बूथ पर लड़ती है और अमरवाड़ा के विधानसभा के चुनाव में तो बूथ को ही हमने फोकस किया है, इसलिए हर बूथ पर हम चुनाव जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास बनाया, विधानसभा के अंदर भी लोकसभा के अंदर भी बूथ का कार्यकर्ता हमारा सजग पैरी के नाते से तैयार है और इस बार अमरवाड़ा में भी हम इतिहास बनाएंगे। अब उपचुनाव एक धोखा है तो भाई कमलनाथ जी धोखा तो आप ही छिंदवाड़ा के लिए थे। जनता जो आशीर्वाद देती है वो आपको धोखा देता है। अमरवाड़ा चुनाव भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत से जीते। प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी छिंदवाड़ा पहुंचे उपचुनाव का मामला, बीडी शर्मा जी शक्ति केंद्र पहुंच रहे हैं, उपचुनाव जीतने की क्या प्लानिंग है? पूरा चुनाव शीर्ष प्रबंधन पर लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक चुनाव को बूथ पर लड़ती है और अमरवाड़ा के विधानसभा के चुनाव में तो बूथ को ही हमने फोकस किया है, इसलिए हर बूथ पर हम चुनाव जीतेंगे। इस रणनीति के साथ आज मेरी शक्ति केंद्रों की बैठकें ज्यादातर है, शक्ति केंद्रों तक आज पहुंचे। छिंदवाड़ा आप आए हैं, आपका मूल वाक्य बूथ जीता तो चुनाव जीता, यही है मूल। बूथ पर ही भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास बनाया, विधानसभा के अंदर भी लोकसभा के अंदर भी बूथ का कार्यकर्ता हमारा सजग पैरी के नाते से तैयार है और इस बार अमरवाड़ा में भी हम इतिहास बनाएंगे। कमलनाथ का कहना है कि उपचुनाव एक धोखा है। अब उपचुनाव एक धोखा है तो भाई कमलनाथ जी धोखा तो आप ही छिंदवाड़ा के लिए थे, इसलिए जनता जो आशीर्वाद देती है वो आपको धोखा देता है, तो इसलिए अमरवाड़ा चुनाव भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत से जीते। महल और दरबार क्या मानेंगे? देखिए दरबार तो सबके लिए है ना, दरबार के प्रति हमारी भी श्रद्धा है, कमलेश शाह जी की भी श्रद्धा है, दरबार का तो आशीर्वाद सबको है। आंचल कुंड दरबार में मैंने भी माथा टेका है, हमारे अमित शाह जी भी, माननीय मुख्यमंत्री जी भी, तो वो तो सबके लिए है, इसलिए दरबार सबके लिए है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है। प्रदेश अध्यक्ष का कहना बड़ा साफ है कि दरबार सबके लिए, आंचल कुंड दरबार में उन्होंने भी माथा टेका है, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। अजय द्विवेदी, IBC 24 छिंदवाड़ा।